मेयो कॉलेज के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसए ने दिया ज्ञापन। सीबीएसई के चेयरमैन को ज्ञापन देकर मेयो कॉलेज के खिलाफ नोटिस जारी करने की करी मांग। कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। मेयो कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट द्वारा एक जूनियर स्टूडेंट के साथ किए गए अत्याचार को लेकर आज यूथ कांग्रेस और एनएसए ने सीबीएसई का घेराव कर सीबीएसई के चेयरमैन को ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि मेयो कॉलेज में मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है और न ही सीबीएसई द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। यूथ कांग्रेस और एनएसए ने चेयरमैन को चेतावनी दी, यदि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हमने सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इनको हमने ज्ञापन दिया है। मेयो कॉलेज के अंदर जिस तरह की घटना हुई है वो शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। उसके बावजूद वहाँ का कॉलेज प्रशासन इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन पूरी घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। सीबीएसई 10 दिन से शांत है, इनकी तरफ से कोई नोटिस आज तक मेयो कॉलेज को जारी नहीं किया गया है, जबकि रेयान इंटरनेशनल कॉलेज की मान्यता इन्हीं चीज़ों को लेकर रद्द कर दी गई और बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई की गई। ऐसी ही हम मांग लेकर के आज यहाँ सीबीएसई के कार्यालय पर आए हैं और हमने चेतावनी दी है, अगर जल्दी यहाँ से मेयो कॉलेज को नोटिस जारी नहीं होता है तो हम जल्दी सीबीएसई का घेराव करेंगे और यहाँ जो भी घटना यहाँ पे होगी उसकी समस्त जानकारी और इसकी जिम्मेदारी सीबीएसई के ऊपर होगी। लोकेश शर्मा, यूथ कांग्रेस। संदर्भ तो वही है सर, जो मेयो कॉलेज में घटना हुई, जूनियर छात्रों के साथ में सीनियर छात्रों ने जो घटना करी उसको लेकर के आज हम सीबीएसई बोर्ड में आए और यहाँ पर जो उनके डायरेक्टर है संजीव दास जी, उनको हमने मिलकर के ज्ञापन दिया और उनको चेतावनी दी है कि जिस तरह से आज 10 दिन हो गए और अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने उस कॉलेज के खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है, और क्योंकि पूरा का पूरा लगता है कि पूरा का पूरा सीबीएसई भी दबाव में है, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल वहाँ पर नेताओं और लीडरों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं और साफ दिख रहा है उनके चेहरे पर कि वो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं गई है। लेकिन हमने आज अल्टीमेटम दिया है, अगर आप इन लोगों ने सीबीएसई की तरफ से नोटिस जारी नहीं होता है या सीबीएसई की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती दोषी लोगों के खिलाफ, तो हम 4 दिन बाद सीबीएसई के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सीबीएसई की होगी। पिछले कुछ दिनों पहले मेयो कॉलेज, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी कैटेगरी पूरे इंडिया में 2nd नंबर पर आती है, उसके अंदर जिस तरीके से एक छात्र का 5 छात्रों ने यौन शोषण किया, फिर उस मामले को कॉलेज प्रशासन के द्वारा दबाया गया, इस मामले के अंदर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर सीबीएसई के द्वारा इतने बड़े स्कूल के नाम की वजह से उसको दबाया जा रहा है या किसी मंत्री के बेटों की वजह से या पुलिस अधिकारी के बच्चों की वजह से अगर उसको दबाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। आज हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड में वहाँ पर आकर के इस चीज़ की कंप्लेन दी है और हमारी ये मांग है कि इस मामले को दिल्ली तक भेज करके इस चीज़ पे दबाव बनाया जाए कि किसी भी बच्चों के साथ में रैगिंग और इस तरीके के यौन शोषण की जो घटनाएं हैं ये कभी दोबारा हमारे भारत वर्ष के अंदर ना हो। मैं आज हम लोगों ने यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में आकर के यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने एक शिष्टमंडल जो आया था उसने आकर के यहाँ पे इनको ज्ञापन दिया है और इस चीज़ की हाथों हाथ इनको बोल भी दिया है कि इस मामले के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर अगले 4 दिन बाद के अंदर यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का घेराव किया जाएगा। इन्होंने जवाब में किया कि अभी हम लोग इसको दिल्ली आगे भेज देंगे और वहाँ पे उन लोगों के हाथ के अंदर है कि वो लोग इसके ऊपर कितनी कार्रवाई करते हैं। मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती।